हेलो व्हाट्सअप गाइस, के सभी के सभी तो वेलकम है ब्लड रेवन के एक और नए पार्ट में। तो गाइस आज की वीडियो भी काफी कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैजिस्टिक और ब्लड रेवन की फाइट होने वाली है और एवलांच का भी कुछ खतरनाक सीन रहेगा। तो भाई बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना। और जितने भी नए बंदे चैनल पे आए हैं पहली बार, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। उस मैजिस्टिक को मारने का प्लान मैंने बना लिया है, बस तुम मुझे इतना बताओ कि वो रहता कहाँ है। जहाँ तक मुझे पता है कि वो लिविक में कहीं ओल्ड प्लाजा साइट रहता है। हाँ वही रहता वो, क्योंकि पोसाइडन भी किसी से मिलने के लिए वहाँ पे गया था और हमारे लोगों ने वहाँ पे देख लिया था उसे। अच्छा ठीक है, अब प्लान सुनो। ब्रैम्बल और मैं उस मैजिस्टिक के पास जाएंगे फाइट करने के लिए, और तुम दोनों। चाचा एक सेकंड, मम्मी का कॉल आ रहा है, बात कर लेता हूँ। कहाँ पर हो तुम? घर पे आओ जल्दी से। आखिर हुआ क्या, अचानक से क्यों बुला रही हो? तुमसे कुछ जरूरी काम है, जल्दी से घर आओ। अरे मम्मी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। मैंने कहा ना जल्दी आओ, वरना मैं वहीं पे आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ। चाचा मम्मी घर बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है फिर तुम जाओ, ये काम हम तीनों ही कर लेंगे। ठीक है फिर मैं उनकी जाके बात सुन लेता हूँ। पहले मैं उस मैजिस्टिक से फाइट करने के लिए जाऊंगा, अगर वो थोड़ा बहुत कमजोर पड़ जाता है तो तुम फिर उस चीज से अटैक कर देना जो मैंने तुम्हें बताई है। अच्छा ठीक है हम समझ गए, पर उसके और भी दोस्त रहे उधर, तब क्या करेंगे हम? हमें ऐसे टाइम पे अटैक करेंगे जब वो अकेला होगा। हाँ ये ठीक रहेगा, फिर वो हमसे बच के भाग नहीं पाएगा कहीं। तो तुम दोनों समझ गए ना सारा प्लान, तो चलो फिर लिविक। मम्मी आ गया मैं, गेट खोलो। पता नहीं कौन सा काम है जो इतना इमरजेंसी बुलाया मुझे, मैं वहाँ पे बिजी था। ऐसा कौन सा काम करते हो जो इतना बिजी रहते हो? मैं तुम्हें बता रहा था मेडिकेट वगैरह बेचता हूँ मैं। झूठ, तुमने झूठ कहा मुझसे, तुम कोई मेडिकेट वगैरह नहीं बेचते बल्कि उस ब्लड ड्रेवन के साथ काम करते हो। क्या ये कब हुआ? मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। पर मुझे सब कुछ पता लग चुका है तुम्हारे बारे में, इरिडेसन ने मुझे बताया। क्या वो यहाँ पे आई थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें बताती तो तुम उसे मारने के लिए पहुंच जाते ना, अपने बाप की मिली हुई पावर से। अरे अब कौन आ गया? आ रही हूँ बाबा रुको। अरे तुम, आखिर बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई? लिविक में जो तुमने किया उसके बाद से मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, चली जाओ यहाँ से। हाँ हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, चली जाओ यहाँ से। देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे बेटे के साथ कुछ भी गलत हो सकता है, या तो फिर उसकी बेटी भी बन सकती है। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा बेटा हमसे बदला लेने के लिए उस ब्लड ड्रेवन के साथ काम कर रहा है। लेकिन मुझे तो उसने कहा था कि वो किसी मेडिकल शॉप में काम करता है। झूठ बोल रहा है वो, उसने कुछ ही दिनों पहले फेरो पर अटैक किया। उसको अपने बाप से कुछ पावर्स मिली हैं, उसी की मदद से उसने फेरो पर अटैक किया। अभी वो छोटा है, उसकी कोई उम्र नहीं है, लेकिन वो गलत संगत में पहुंच गया है। तुम उसे रोको वरना उसके साथ सही नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है आखिर? बस मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ आई थी। इरिडेसन सुनो। बोलो। तुम्हारा शुक्रिया ये सब बताने के लिए। कोई बात नहीं। उसकी इतनी हिम्मत मेरे घर तक पहुंच गई, उसको तो अब छोड़ने वाला नहीं मैं। तुम्हारे पापा भी बदले के चक्कर में मारे गए थे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा, ये सब छोड़ दो। बदला तो मैं लेके रहूंगा माँ, चाहे तुम कुछ भी बोल लो, और वो आज ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। रुको, रुक जाओ बेटा, मेरी बात समझो, वापस आ जाओ। ओहो, तो मैजिस्टिक तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? ये कौन बोल रहा है? कैसा लगा सरप्राइज, मैं तुम्हारे मेन अड्डे पे ही पहुँच गया। यहाँ पे क्या यूसी मांगने के लिए आए हो? सॉरी गेम बैन हो रखा है, मेरे पास कोई यूसी नहीं। मैं यहाँ पे तेरी पेटी बनाने के लिए आया हूँ, और वो मैं बना के जाऊंगा आज। उस दिन चैलेंज करके भाग गया था ना, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे तुम्हारे इस मैक्स फॉर्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ाई करी है। करी होगी, पर उनसे बहुत ज्यादा अलग हूँ मैं, मुझे हल्के में मत लेना। अच्छा ऐसी बात, ठीक है फिर देखते हैं। ये क्या, ये लोग यहाँ पे?
तुम लोग अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं गोजो। उस ब्लड रेवन ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी मदद से तुम उसके गुलाम बन रखे हो। तुम लोग ऐसे पीछा नहीं छोड़ोगे। कुछ ज्यादा जल्दी में नहीं हो मैजिस्टिक से मिलने की? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम तो विकेंडी में रहते हो ना? हाँ, यहाँ पे तुझसे फाइट लेने के लिए आया हूँ मैं। अरे फाइट से याद आया, पिछली बार हमने तुम्हारी वाइफ की बहुत बुरी हालत कर दी थी, अब वो ठीक तो है ना? बस उसी चीज का तो बदला लेना मुझे तेर से। बस बहुत हो गया तेरा खेल, अब मेरी बारी है। अपने दोस्तों के ऊपर ऐसे अटैक कौन करता है? ओ जोकर, तो तू इन लोगों से मिल रखा है, तू ब्लड रेवन के लिए काम कर सकता है तो मैं इनके लिए नहीं कर सकता। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे से, तुझे भी देख लूंगा। ये फाइट के बीच में कॉल कौन कर रहा है? हेलो। अरे बॉस मैं लोगन बोल रहा हूँ, यहाँ एक नीचे प्रॉब्लम हो गई है, मुझे बचा लो इससे प्लीज। ये एवरलांच मैक्स फॉर्म में आ गया अपने। क्या वो वहाँ कैसे पहुँच गया? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारा दोस्त नीचे वेट कर रहा है। जोकर अब इसे होश में कैसे लेके आए? मेरे पास एक आइडिया है, वो ट्राई करके देखता हूँ। हाँ ठीक है ट्राई करो। ये क्या, मैं अभी भी शैनोक में हूँ। अरे अभी तुम लिविक में हो, तुम दोनों यहाँ पे? आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? तुम्हारे ऊपर किसी ने काबू कर लिया था तो तुम उसी के लिए काम कर रहे थे इतने दिन से, पर जोकर ने तुम्हें ठीक कर दिया। मुझे बस इतना याद है कि जिसमें मैं आ रहा था उस चीज का एक्सीडेंट हो गया था और सामने शायद कोई पंख वाला आदमी था मेरे। ये ठीक हो चुका है, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब जाके मेरा बदला पूरा हुआ। ये क्या, तुमने इसकी पेटी बना दी? तुम्हारी तो उसकी पेटी अच्छी नहीं लग रही क्या?
बोल तो तेरी भी साइड में पेटी बना दूं उसके। क्या मेरे को चैलेंज करता है? साले रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अच्छा ठीक है, तो फिर मुझसे भी लड़ना पड़ेगा तुम्हें। ये क्या? बोलो फिर जल्दी, लड़ पाओगे हम दोनों से या फिर तीनों से? अब कहाँ बच के जाएगा तू? तुम तीनों को तो देख लूंगा, अभी के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। बस तेरा टाइम आ गया बुलेट रेवन, ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा तू। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। और जिन जिन भाई इस वीडियो में हेल्प करिए भाई, सभी का थैंक यू वीडियो में काम करने के लिए। गाइस सभी बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके लिए कमेंट में कुछ अच्छी सी बातें लिख दो। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, तो वेट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।